देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज 2 बजे तक 49 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सामने जोधपुर में 20, जयपुर में 12, नागौर में 10, कोटा में 4, हनुमानगढ़ में 2 और अजमेर में 1 पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हो गई है 1937। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और ये संख्या 1937 तक पहुँच चुकी है। और जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अभी तक बना हुआ है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर, कोटा, जोधपुर ये वो शहर हैं जहाँ पर पहले कोरोना के मामले इतने नहीं थे, लेकिन अब लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। हनुमानगढ़ में भी 2 नए मामले सामने आए हैं, कोटा में भी 4 मामले सामने आए हैं, अजमेर में कोरोना का 1 मामला सामने आया है। ये थोड़ी सी राहत की खबर है क्योंकि अजमेर में पिछले 48 घंटे से लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो अजमेर के लिए थोड़ी सी यहां पर राहत की खबर है। तो चलिए हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, अगर बात करें सबसे पहले अजमेर की, अजमेर में हमने देखा कि लगातार मामले बढ़ रहे थे पिछले 48 घंटे 72 घंटे में हमने देखा कि तेजी से मामले वहां पर बढ़ रहे थे पॉजिटिव के, लेकिन अब थोड़ी सी यहां पर राहत नजर आई है अजमेर के लिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से अजमेर से इस पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे थे, वहीं अजमेर में पिछले 24 घंटे से एक राहत की खबर कही जा सकती है कि आज महज 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया। हालांकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अजमेर में 104 हो चुकी है, तो वो एक गंभीर चुनौती तो बनी हुई है ही, लेकिन आज जो 24 घंटे से जिस तरह से 1 पॉजिटिव का सामने आया है तो एक राहत की खबर कही जा सकती है। इसी तरह बात करें तो आज जोधपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव और सामने आए और वहां पर भी संख्या 307 हो चुकी है। हालांकि एक और जो राहत की खबर यह है कि अब तक जो कोरोना पॉजिटिव जितने जो 1937 कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें से 407 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट वो नेगेटिव हो चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, अच्छी खबर कही जा सकती है। इसी के साथ 134 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसी तरह बात करें तो प्रदेश में लगातार जो जहां सैंपल लेने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम करीब 70,000 लोगों के सैंपल अब तक कोरोना के लिए जा चुके हैं, जो एक सबसे बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है प्रदेश के लिए। या बिल्कुल लोकेश, ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि जयपुर में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, करीब 12 संक्रमित मरीज आए हैं, वो किन किन इलाकों के हैं, क्या सभी रामगंज की हैं कि और दूसरे इलाकों के भी हैं? देखिए जी अमित, जिस तरह से जयपुर के रामगंज और रामगंज के बाद एमडी रोड और अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना संक्रमित जो बढ़े हैं, हालांकि जो ये कोरोना पॉजिटिव है वो पहले से लिए गए सैंपलों में से ही आए हैं, जो रामगंज, एमडी रोड या जो भट्टा बस्ती क्षेत्रों से जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों के सैंपल लिए थे उन्हीं में से संक्रमित निकल कर आए हैं। हालांकि एक और में जो चिंता की बात यह है कि जिस तरह से जो चिकित्सा कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले पॉजिटिव आ रहे हैं, वो गंभीर समस्या बनती हुई जा रही है और SMS मेडिकल कॉलेज में लगातार ऐसे मामले बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, जो प्रदेश के चिकित्सा महकमे के लिए एक चिंताजनक है। और इसको लेकर भी हालांकि विभाग की ओर से पूरे इनकी तैयारियां की जा रही है, लेकिन फिर भी जो चूक है वो कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है कि क्या वो लापरवाही समझे जाए या फिर यह जो कोरोना का जो दायरा है उसको समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा कर्मी लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, ताकि क्योंकि जो ही मेन पावर सरकार का कहा जा सकता है चिकित्सा कर्मी मेन पावर है वो कोरोना संक्रमित हो रहा है, तो एक गंभीर जो विषय ये बनता नजर आ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका। तुम्हारे संवाददाता लोकेश होला जयपुर से ये ताजा अपडेट दे रहे थे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत की खबर अजमेर के लिए भी है क्योंकि वहां पर मामले कम सामने आए, लेकिन SMS मेडिकल कॉलेज की बात करें, SMS हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर जो वहां के कर्मचारी हैं वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है।